अब हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी ऐप का जो है, जिस तरह ये हमारी ऐप है, तो इसमें हम चाहेंगे कि ये एक ही इसमें मोड हो, क्योंकि हमने ये बनाई है रीडिंग वगैरह के लिए, तो उसमें अगर ये हमारी होगी लैंडस्केप मोड में होगी तो उसमें ज़्यादा यूजफुल है, तो हम फोर्स कर सकते हैं अपनी ऐप को तो वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में चले। उसके बाद हम एक्टिविटी को फोर्स करना चाह रहे हैं, तो यहीं पर हम लिखेंगे एंड्रॉयड, और उसके बाद ये है स्क्रीन ओरिएंटेशन, और स्क्रीन ओरिएंटेशन में कंट्रोल स्पेस अगर मैं करूं तो ये आ जाता है अनस्पेसिफाइड लैंडस्केप, पोर्ट्रेट हो सकती है, बिहाइंड हो सकता है, डिफरेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें हम चाहेंगे कि हम लैंडस्केप यूज करें, लैंडस्केप कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, और अब हम लॉन्च करते हैं तो हमारी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ लैंडस्केप ही में होगी। ये कंसोल में हम देखते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रही है, और इंस्टॉलेशन के बाद जो है हमारी एक्टिविटी इसमें स्टार्ट हो जाएगी, और इस दफा लैंडस्केप मोड में ही होगी, चाहे हमारे डिवाइस की ओरिएंटेशन कोई भी हो। तो ये हमारी हो गई है, ये देखिए हमारा जो मॉकअप है, हमारा जो इम्यूलेटर है वो पोर्ट्रेट में है, लेकिन उसके बाद जो है ये हमने फोर्स कर दिया इसको, इसमें अगर हम इसको चेंज भी करें ये इसी में रहेगी। तो इस तरह आप जो है कर सकते हैं, यहाँ से आके फोर्स कर सकते हैं कि हमारी ऐप जो है किस, इसका ज़्यादा ये होता है कि अगर हमारी जो है एक में कुछ होती हैं, जिस तरह ऐप्स गेम्स वगैरह होती हैं तो वो लैंडस्केप मोड में होती हैं, तो इस तरह हम फोर्स कर सकते हैं उसको। आपको बहुत शुक्रिया।